तो साला बिजली के बिल से परेशान, वो दिल्ली वाले हैं ना के बराबर में जाता है, पर हम एमपी में होते जान ले है ये बिजली का बिल। भूख भी लगी है, पता नहीं तुम्हारी अमीर दादी ने बनाया भी वो कुछ ही नहीं, तंग आ गया हूँ तो इस औरत से शादी करके फंस गया हूँ। लाइट मैंने बंद की है। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं नहा रही हूँ। अरे नहा रही हो तो कौन सा, यहाँ नहा रही हो क्या? और नहाने में क्या लाइट देखा, तुमको अपने को देख कर शर्म नहीं आती क्या? हे भगवान, कितना नीच आदमी है ये, मेरे तहत करम फूट गया जिससे शादी हो गई, पता नहीं कहां शादी हो गई इससे। अब तो क्या बिजली का बिल मेरा बाप भरेगा? तेरा बाप नहीं भरेगा, तू बता दे कितना है, मेरा बाप भर देगा। बड़ा तेरे को दिक्कत हो रही बिजली का बिल से तो। तो ठीक है ना, बर्बाद हो बिजली के बिल के बहाने, कल तुम्हारा बाप जा करके और बोल देगा कि दहेज मांगता है मेरे से, वही रिपोर्ट करवा देगा। मैं तो उस पल को सोच रही हूँ कौन सा पंडित मिल जाए मेरे को, जो तेरी शादी करवाया था ना, तो छह के छह गोली दांतों। तो मैं भी कोई खुश नहीं तेरे शादी करके, ठीक है ना, वो मिल जाएगा तुम छह मारो मैं 12 मार दूंगा, समझी? अभी जाओ यहाँ से। इसको तभी बताती हूँ। हेलो, चला चबो पीछे से उठा, भूख भी लगी है, खाना तो मिलने से रहा, चलो नाश्ता ही कर लेता। अरे यार, ये पक्का अंदर जाकर अपने भाई को फोन लगा दी होगी, हो चुका नाश्ता मेरा। हेलो, अरे नहीं सादे साहब, अरे मैं आपकी बहन को क्यों परेशान करूंगा, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। अरे हमारी इतनी मजान जरूरत कि हम आपकी बहन को तंग करें, अरे वो कुछ गलत फहमी हो गई होगी उसको। नहीं नहीं आप अभी 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 मत आइए, अभी मतलब थोड़ा मैं बिजी हूँ, मैं आपको शाम को कॉल करूँगा, सर मैं शाम को मिला लूँगा आपको कॉल, मैं शाम को आपको फ़ोन लगा के आपसे मैं बात करता हूँ, कोई गलत फहमी होगी, मैं क्यों आपके बहन को परेशान करूँगा। ठीक ठीक, मैं आपको शाम को ठीक। ये औरत मरवाएगी किसी दिन वीडियो पर, इस सब मरियम सर ने बिजली का बिल आई थी तेरे। मत पूछो यार, वो तो महीने में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर से घर की हालत खराब मेरी, ऊपर से मेरी पूरी मतलब कुछ भी कमाता हूँ सब बिल में ही देना पड़ता है, अब क्या करें भाई, इतनी हालत गंभीर हो चुकी है ना, लगता है कि अब अंधेरे पे ही काम चलाना पड़ेगा। क्या बताया भाई, जिंदगी से ठंड हो ही रखी है भाई, फिर क्या बताया। एक तो घर की प्रॉब्लम से आदमी चल नहीं पा रहा है, भर नहीं पा रहा, ऊपर से ये बिल की प्रॉब्लम एक्स्ट्रा लगी है जिसे बोलते हैं, वो आ चुका है हमारे घर पे। आप कितना कभी डिग्री ला रहे, वो सब छोड़िए पहले आप बताइए आपको कितना आ गया। ये रहा तो भाई बस 3,500 रुपये आया है। 3,500? भाई क्या हो गया, हंस क्यों रहे भाई, क्या हो गया भाई? 3,500? अरे मेरा 6,000। भाई अब तो जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे सांप के मुंह में से चुंगा, ना निगल सकते हैं ना ही उगल सकते हैं। भाई बिल्कुल सही, अब ऊपर वाला की मानी पर अब क्या होगा हम लोगों से। अब अरे बहन जी आप सुबह तो भाई साहब बैठते हैं। अरे भाई साहब आपको क्या बताऊं, छोटी छोटी बात पे तो चिक चिक करते रहते हैं। अब अभी सुबह की बात ले लीजिए, बिजली के चक्कर में लड़ ली है, अब बैठे हैं मुंह फुला के, मैं क्या करूं, मुझे ही आना पड़ा। अब क्या बताएं बहन जी, बिजली का बिल का इतना लफड़ा ही हो रहा है, कोई नहीं एक काम करिए, एक किलो रिफाइन दीजिए। नहीं 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 आधा किलो नहीं, एक पाव गुड़ बहन जी मुझे भी दे दीजिएगा। अरे जाने दो यार, आप यही बताइए क्या बात है। अरे
अंदर जाने दीजिए, हमारा काम है अंदर जाना। ए, अंदर? अरे अंदर जाने तो दीजिए। अच्छा बेटा, तू ही है वो? हाँ। तो दो-दो बातें मेरी बीवी बात करती है। अरे भाई साहब, ये क्या तमीज है? क्या तमीज है क्या? क्या काम है तेरा अंदर? अरे हम मीटर चेक करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, बिजली वाले हैं, कुछ चाय पानी मंगाए हैं कुछ? हाँ भाई साहब, अभी तो बहुत गर्मी चल रही थी, जहाँ बिजली विभाग का नाम सुने तो एकदम। अरे क्या बताएं भैया, परेशान तो इतना हो भैया, यूँ समझ लीजिए कि जितना कमाता पूरा बिजली के बिल में चला जाता है। कुछ मदद कर दीजिए हमारी। भाई साहब, ये थप्पड़ खा के मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और आप इतनी वो कर रहे हैं रिक्वेस्ट, तो फिर ठीक है। भाई साहब, आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। इस तुम्हें से कर रहे हो ना, वो इंसान तो भरोसे के लायक नहीं, सकल सी चोर कमीना लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें सेटिंग के चक्कर में लेने के देने पड़ जाए। मैंने तुमसे राय मांगी तो अपने काम से काम रखो, चलो जाओ। देख लेना पछताओ। हाँ ठीक है, जाओ। वैसे आपको क्या हुआ, बड़े जाग रहे हो? वो तो मैंने बिजली का बिल तो हम भी भर के आ रहे हैं भैया। बिजली का बिल तो हम लोग भी भर के आए यार। वैसे कितना आया आपका? हमारा भी आया 700। समझ सकता हूँ भैया, 7000, हमारा भी 6000 आया था, इनका भी 3500 आया। 7000 नहीं, 700। 700? 700? 700? हाँ 700? हाँ 700? भैया यार, आपने क्या सेटिंग बना रखी है यार, मतलब कौन आते हैं आपके यहाँ? अपना अपना सेटिंग है। तो भैया हमारा भी है, हम लोग अभी बहुत पहले पहले ठीक हो गया, तुम लोगों की भी सेटिंग करवा देता हूँ। हाँ भैया, भैया हाँ शाम को मिलते हैं, ठीक है अभी। हाँ भैया, ठीक। हाँ भैया, हेलो भाई साहब। हाँ भाई साहब। भाई साहब, ये ब्लॉक D8 कहाँ है? भाई साहब, ये बात दोनों बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, बताइए। ये चश्मा काफी चेक नहीं करवाया आपने, क्या हुआ? चश्मा चेक नहीं करवाते क्या रेगुलर? नहीं सर, चश्मा तो सही है। अरे तो दिखता नहीं है, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ब्लॉक D8 यही है। ओ भाई साहब, सॉरी सॉरी, दिखा नहीं मुझे, मैं नया हूँ मैं यहाँ। क्या सेटिंग बनाई है आपने, जितनी तारीफ करे उतनी नहीं कर। अब तो भैया बता रहे कि चैन की नींद आती है ना, एसी फुल टाइम चलता रहता है, कुछ बंद ही नहीं करते हम लोग भी। पहले तो पेट काट काट के जीना पड़ता था, और आप चैन की नींद नहीं सोते हैं। आपकी सेटिंग की तो दाद देनी पड़ेगी भाई साहब। आपकी सेटिंग जब से कराए है तो जब 6000 आता था, आज तो 600 रुपए आ रहा है भाई। अब चैन की नींद आती है भाई साहब। हमारे साथ रहोगे तो मौज ही मौज करोगे, संडे नॉन रहोगे तो ऐश के रहोगे। अरे नाचो भाई, मौज करो। वैसे भाई साहब, आप कौन? ओ भाई, है कौन तू? अरे भाई रुके हुए हैं, नाचो नाचो, मौज करो, और मौज करो भी अपनी, सेटिंग तो चल रही है। से भाई भाई, वो मौन, मैं तुमसे बहुत बड़ा MPP का अधिकारी हूँ, पर आपको यह क्या काम? मैं तुम सबकी सेटिंग बिगाड़ने आया हूँ, और नीचे से मीटर की रेटिंग लेके आ रहा हूँ, जहाँ तुम सबका बिल 7-8 हजार आना चाहिए,
सेटिंग करके 500 और 600 का कर सबका पेनाल्टी लगेगा, सबको लाख लाख रुपए का बिल भेजूं। और सुनो, कल तुम सबके पास पेनाल्टी पहुंचेगी, और एक हफ्ते के अंदर अगर बिल जमा नहीं किया तो लाइट तो कटेगी और सबके सब जेल जाओ। टेंशन और बढ़ गई। वाह भाई साहब, क्या सेटिंग कराई है आपने। अरे पहले जैसा भी था, एक टाइम का रोटी तो खाने को मिलती थी, लेकिन आपने उसको भी छीन लिया हमसे। अब क्या करें? अभी तक सेटिंग थी, बिजली का बिल कब आ रहा था तो मैंने प्यार किया, अब पेनाल्टी लगे तो मैं तेरा दुश्मन। वाह भाई साहब, आप तीनों उदास। इतना अच्छा मौसम है, आप लोग की सेटिंग भी करवा दिया हूँ, फिर भी उदास कैसे? आप तो बिजली का बिल भी कम करवा दिया हूँ, फिर भी उदास क्यों? साले, यहाँ धन नीलाम करने की नौबत आ गई है। अरे भाई साहब, आप सब गुस्सा क्यों रहे हैं? तेरी सेटिंग की इसको। हेलो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।